बीज भव ताप मिटाने में सहायक है। संसार के रोगों को, बीमारियों को, तकलीफों को, बुखार को, कष्ट को, पीड़ा को यदि तांबे के पात्र में जल लेकर के और केवल क्रीम बीज का कुछ समय तक लेकर के पानी पिलाने से राहत भवताप मिटाने में सहायक। मेंटल टेंशन भवताप कहलाता है, छोटी मोटी व्याधियां भवताप कहलाती है। और क्रीम बीज ब्रह्मांड का प्रतीक है, यदि साधक 1,25,000 मंत्र जाप कर ले तो स्वतः ब्रह्मांड में होने वाली घटनाएं उसको अपनी आंखों के सामने दृष्टि को छोड़ होनी चाहिए। स्फटिक माला, स्फटिक नहीं हो तो मूंगी की माला। काली साधना में मुहूर्त के बारे में आप नोट कर लीजिए, पंचमी दशमी और पूर्णिमा किसी भी महीने की, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, पंचमी दशमी और पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा या पंचमी दशमी नहीं मिले तो किसी भी रविवार से, या श्रेष्ठ होता है रवि पुक्ष नक्षत्र, जब रविवार को पुक्ष नक्षत्र आवे तब इस प्रकार की साधना प्रारंभ की जा सकती है। ये तो साधना प्रारंभ करने का हो गया। काली साधना अधिकतर रात्रि में ही प्रयोग की जानी चाहिए। दूसरी बात, काली साधना में केवल तेल का दीपक लगाया जाता है, तेल कोई भी हो। ये तीसरी बात, काली साधना में सर्वोत्कृष्ट माला सर्पस्थियों की माला होती है, नंबर 2 स्फटिक माला होती है, नंबर 3 मूंगे की माला होती है। काली साधना में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके साधना काल में बैठना चाहिए।